मुझे मेरा पिछला कार्यकाल याद आ गया, जिला परिषद का जो था उसमें पंचायत समिति की मीटिंग हो, साधारण सभा की या जिला परिषद की हो, मैंने बड़ी सक्रियता के साथ जनहित के हमेशा मुद्दे उठाते रहा हूँ और उनका निराकरण भी करवाता रहा हूँ। तो आज मुझे पहली मीटिंग में खुद सदन में और आसन पर बैठने का मौका मिला, तो मैंने अपने आप को उन्हीं जनप्रतिनिधियों में से मानते हुए मैंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि की बात सुनी, क्षेत्र की समस्याएं सुनी और उनमें नयापन लाने के लिए उनको बताया भी कि इस तरीके से जो नए जनप्रतिनिधि हैं अपने को समस्याएं उठानी चाहिए। आज मुख्य रूप से बिजली, पानी और चिकित्सा, सड़क PWD के, प्रारंभिक शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की योजनाएं और महिला बाल विकास, ये जो संबंधित सारे विभाग हैं उनके ऊपर समस्याओं पर चर्चा हुई। लोगों ने अपने अपने, सभी सदस्यों ने, सरपंचों ने अपनी समस्याएं बताई, नोट करवाई और अगली जो साधारण सभा की मीटिंग होगी उन तक समस्याओं का समाधान करने का प्रत्येक अधिकारी ने आश्वासन दिया है। साथ ही मैंने सारे सदन में एक प्रपोजल रखा है कि आज आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो क्यों न पूरे ब्लॉक स्तर पे एक नंदीशाला, गौशाला का निर्माण किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार की भी मनसा नंदीशालाओं के लिए बहुत अच्छी है। इस बजट में भी CM साहब ने अच्छी घोषणा की है और माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की भी मनसा है कि नौलगढ़ ब्लॉक के जितने भी किसान हैं जो आवारा पशुओं की समस्या से परेशान है उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो एक पूरा सेंटर में गोचर विकास के नाम पे आज मैंने प्लान में जुड़वाया है, तो नरेगा का प्लान का हमने अनुमोदन करवाया, उसमें इसको भी लिया है कि क्यों ना एक गोचर भूमि बड़े लेवल पे डेवलप करके और उसमें इन आवारा पशुओं को, पूरे ब्लॉक को रखा जाए और उसके लिए राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता हो, चाहे पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे और विधायक महोदय के स्तर पे जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो करेंगे और उस पर सारे ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी सहमति जताई कि 46 के 46 सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य और सभी हमारे पंचगण जो भी जनप्रतिनिधि हैं मिलके जो ये मुख्य बड़ी समस्या है इसका निराकरण करेंगे। साथ ही काफी लंबे समय से जो पिछले कार्यकाल में भी मैंने उन समस्याओं पे फोकस किया था और काफी हद तक जिले में सुधार भी किया था झोला छाप डॉक्टरों पे। आपको पता है यहाँ पे गाँव में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा के, उल्टी सीधी दवाएं देके, और आज चिकित्सा का हमारा इतना मजबूत तंत्र है उसके बाद भी लोगों को भ्रमित करके वो अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। तो उनके लिए भी हमने आज ये एक सर्वसम्मति से सदन में प्रस्ताव लिया है कि कहीं भी जनप्रतिनिधि हमारे और रेड डाल सकते हैं, इस तरीके का कोई झोला छाप पाया जाता है तो वहाँ उनको पकड़ के और स्थानीय प्रशासन को वहाँ बुलाया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। इसके अलावा आज कुछ इसके अलावा तो जैसे बिजली की समस्या है तो बिजली से संबंधित जो भी समस्या है वो एक्शन साहब को नोट करवा दी गई है और जो पिछले दिनों किसानों के साथ टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, कम घंटे बिजली की सप्लाई हो रही थी, उसके बारे में भी जानकारी ली गई कि मेंटेनेंस के नाम पे जो मेंटेनेंस चल रहा था लाइनों का, उस वजह से अलग अलग फीडर पे अलग अलग और कम लाइटें दी जा रही थी, वो 1 तारीख से सुचारू कर दी गई है। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो हमें अवगत करा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक देखने में ANM वाले मामले के लोग, आपने कहा कि आप खुद सरपंच अपनी मीटिंग बुला के प्रस्ताव पास कर सकते हैं, सर कई वाकई कर्मचारी है ना ड्यूटी पे नहीं आते हैं और बाद में ये होता है कि किसी ना किसी राजनेता का हाथ होता है या वो लोकल होता है तो लोग उसे कुछ कह नहीं पाते हैं और जब मीटिंग होती है तो शिकायतें हो जाती हैं, लेकिन सर जो गांव का इस तरह जहाँ गाँव है वहाँ पे किसी को कुछ नहीं कहा जाता है। देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कर्मचारी किसी विभाग में, मैंने सभी सरपंचगण को अवगत कराया कि जो मासिक मीटिंगें होती हैं पंचायत की 5 तारीख और 20 तारीख को, उसमें संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी जो है ग्रामीण क्षेत्र पे उनको बुलाना चाहिए और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में आमजन को और हमारे पंचों को प्रशिक्षित और अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा अगर इस तरीके की कोई भी शिकायत और समस्या है तो उनको सदन में प्रस्ताव के रूप में लेके हमें भेजें और एक संबंधित विभाग, अगर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो BCMO और CMHO को अवगत कराया जाए। बाकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि कहीं ना कहीं सबको पता है कर्मचारी ज्यादातर लोकल स्तर के एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो जनप्रतिनिधि उन बातों को भूल के और आपस की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं और ये मैं कहता हूँ बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उन कर्मचारियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि आपको सेवा का मौका मिला सरकार में, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। तो जितना समय आपके ड्यूटी का बनता है, मैं तो कह रहा हूँ उसके अलावा जाके भी आपको सेवा करनी चाहिए, लेकिन अलावा नहीं करते हो तो जितना टाइमिंग सरकार की तरफ से निर्धारित है उतने समय आपको सेवा करनी चाहिए। और कोई विषम परिस्थितियां किसी कर्मचारी के साथ है, कभी हो भी जाती है, परिवार में कोई फंक्शन है, कोई तकलीफ है, दुख दर्द है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कोऑपरेट कर सकते हो। अन्यथा जनप्रतिनिधि कोई भी सरपंच गण है और मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूं कि कार्रवाइयां होनी चाहिए। और क्योंकि एक व्यक्ति को आप मोबिलाइज करने के चक्कर में सैकड़ों जो मरीज हैं या अन्य जो लोग पीड़ित व्यक्ति हैं उनको आप बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं।